फ्रेंड्स, देश की पॉपुलर लो कॉस्ट करियर एयरलाइन गो एयर ने कल यानी 27 फरवरी को ये अनाउंसमेंट किया है कि वह अपनी 2020 की फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट कोलंबो के लिए 20 मार्च से शुरू करने जा रही है, जिसमें वह दिल्ली और बेंगलुरु से श्रीलंका के लिए उड़ान शुरू करने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गो एयर ने सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन के रूप में खुद को स्टाइल किया है और इस एयरलाइन ने 2018 में इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा, जिसके साथ फुकेत के लिए उड़ान की शुरुआत हुई। इसके बाद इसकी उड़ान में माले, अबू धाबी, मस्कट, दुबई, बैंकॉक, कुवैत और दमन शामिल हुए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गो एयर की फ्लाइट G839 दिल्ली से 10:35 पर रवाना होगी और 14:10 पर कोलंबो पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी की फ्लाइट G840 कोलंबो से 15:10 पर रवाना होगी और 19:00 दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह बेंगलुरु से कोलंबो का फ्लाइट शेड्यूल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली और बेंगलोर से कोलंबो घूमने जाना चाहते हैं तो आप इसकी साइट पर जाकर अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, श्रीलंका साउथ एशिया का एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जो कि बिजनेस और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। गो एयर की दिल्ली और बेंगलुरु से वाराणसी और पटना के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है। फ्रेंड्स, गो एयर भी अब धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन ग्रोथ को बढ़ाने की तरफ ध्यान देने लगी है। अगर इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती रही तो ये एयरलाइन बहुत ही जल्दी इंडिगो को भी पीछे कर देगी। तो फ्रेंड्स, आपको गो एयर से ट्रैवल करना कैसा लगता है और आप क्या सोचते हैं इस एयरलाइन के बारे में, अपने विचार हमें कमेंट्स करके बताएं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।